सदगुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज जो हम आप जी के लिए रोहनी साखी लेकर आए हैं, यह साखी हुजूर महाराज जी और मौजूदा सरकार की है जी। सासंग जी, इस साखी में एक भाई साहब के साथ जो हुआ उसे देखकर और उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वहाँ कुल मालिक सिर्फ शरीर बदलते हैं, रूह और वहाँ परमात्मा की ताकत एक ही रहती है। तो साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा। किस प्रकार से एक सत्संगी भाई को हुजूर महाराज जी में स्वयं बाबा जी महाराज दिखने लगे। सासंग जी, यह साखी आप जी को पता ही है कि बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी हाल ही में भी विदेश के दौरे पर गए हुए थे और वहाँ पे बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने कई सेंटरों का दौरा भी किया जी। तो एक सेंटर की छोटी सी साखी है जी। सासंग जी, वहाँ के सत्संगी भाई को बाबा जी महाराज जी के साथ हुजूर महाराज जी सामने देखते उन्होंने देखा तो हुजूर महाराज जी के स्वरूप में ही उन्हें बाबा जी महाराज जी नज़र आने लगे। यहाँ देखकर वहाँ सेवादार भाई जोर जोर से रोने लगा और भावुक हो गया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। उसके बाद जब उन्होंने बाबा जी महाराज जी वहाँ से दर्शन दे के चले गए, उसके बाद उनको पता चला। उन्होंने सभी को बताया कि हुजूर ही स्वयं कुल मालिक का स्वरूप है। तो सत्संग जी, साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा। तो हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, जैसे कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी अभी हाल ही में इटली के टूर पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने पोप से भी मुलाकात की जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी महाराज जी को वहाँ पोप जी ने ही इन्वाइट किया हुआ था जी। साथ में हमारे कुल मालिक प्यारे हुजूर स्वामी जी महाराज जी भी गए हुए थे। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने वहाँ कई सेंटरों का दौरा भी किया जी। छोटे छोटे सेंटरों की जो वीडियो क्लिप आप जी ने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहाँ पर बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी साथ में दिखे जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी कई सेंटरों पर और कई ऐसे मॉल में दर्शन देने भी गए, जहाँ पर कई संगत मिली उनको और उन्होंने बड़े प्रेम प्यार से शब्द भी पढ़े और बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी करे। और संगत ने और कई ऐसे सेवादार भाई है जिन्होंने बाबा जी महाराज जी के साथ लगभग 10 से 15 मिनट और अधिक समय भी बिताया जी। और बाबा जी महाराज जी ने भी वहाँ के सेवादारों की बहुत बढ़ियाई करी और उन्हें कहा कि अच्छा मौका है, इसका आप अच्छे से लाभ ले रहे हो। कई सेवादार भाई ऐसे थे जो कि सत्संग घर में अभी कई ऐसी सेवाएँ चल रही जिनमें अपना भागीदारी का हिस्सा दे रहे हैं, यानी कि वहाँ सेवा का दान दे रहे हैं। ऐसे कई सेंटर है जहाँ की बाबा जी महाराज जी अभी हाल ही में जाकर आए हैं जी। सत्संग जी, वहीं एक छोटे से सेंटर की एक सेवादार की बहुत ही सच्ची और रूहानी साखी निकल कर आई है जी। सत्संग जी, वह साहिब वहाँ कुल मालिक और वहाँ सच्चे पातशाह जब जिसको जहाँ दर्शन देने होते हैं, चाहे वह सात समंदर पार क्यों ना हो, वहाँ दर्शन दे ही देते हैं। यही इस साखी में हुआ। सत्संग जी, एक सेवादार भाई जो कि वहाँ विदेश में एक सत्संग घर में सेवा कर रहे थे, अब उनके मन में कई दिनों से ऐसा चल रहा था कि हुजूर पता नहीं कैसे दिखते होंगे, पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, हुजूर हमें तो बस बाबा जी महाराज जी ही चाहिए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे हुजूर और बाबा जी महाराज जी को लेकर। लेकिन सत्संग जी, जैसे ही बाबा जी महाराज जी उनके पास उनके सेंटर में गए, तो सबसे पहले तो उन्होंने जब यह सूचना सुनी कि बाबा जी महाराज जी हमारे सेंटर में दर्शन देने आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वह सेवादार भाई जो कि कई दिनों से मन में यह सवाल उठ रहे थे कि बाबा जी महाराज जी पता नहीं कब आएंगे और हुजूर पता नहीं दर्शन कब देंगे, कैसे दिखते होंगे, वहाँ यह खबर सुनकर सबसे पहले तो कुल मालिक के मन ही मन में शुक्रिया अदा करने लगा कि है मेरे कुल मालिक, आपका लख लख धन्यवाद जो आपने मुझे दर्शन का मौका दिया। अब तो मौजूदा सरकार और हुजूर महाराज जी के दर्शन साथ में होंगे। सत्संग जी, जब बाबा जी महाराज जी वहाँ सत्संग घर में पहुँचे तो सभी डिसिप्लिन से बैठ गए और बाबा जी महाराज जी स्वयं चलकर उनके पास पहुँच गए और सभी को दर्शन दिया और बातें भी की और सभी की बढ़ियाई भी की। सत्संग जी, वहाँ सेवादार भाई ने जैसे हुजूर महाराज जी को, उसकी नज़र तो देख ही रही थी, उनको ढूंढ ही रही थी कि कहाँ खड़े हैं, जैसे हुजूर महाराज जी को उस भाई ने देखा
देखा तो उनकी आंखों से पानी आ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब यह हम क्यों कह रहे, क्योंकि सत्संग जी उन सत्संगी भाई ने बताया कि हुजूर महाराज जी में स्वयं बाबा जी महाराज जी का स्वरूप उन्हें दिखाई दे रहा था। सत्संग जी वहाँ मन ही मन में हजार बार लाखों बार शुक्रिया अदा करने लगे कि हे मेरे मालिका, मैं वैसे ही फिक्र कर रहा था, वैसे ही चिंता कर रहा था, लेकिन हे मेरे कुल मालिका, आप वही हो जो अब तक मौजूदा सरकार थी। तो सत्संग जी यह बात जब उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को, सत्संगी भाइयों को बाद में बताई तो सभी रोने लगे और सभी कहने लगे कि हे मेरे कुल मालिका, आपका लख लख शुक्रिया जो आप जी ने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए और हमें दाद बख्शी। तो सत्संग जी, साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि वह कुल मालिक वही है, सिर्फ एक स्वरूप बदल लेने से कोई वह कुल मालिक बदल नहीं जाता, हमेशा से वही चलता आया है और वही रहने वाला है। हमारे हुजूर बाबा जी महाराज जी भी वही हैं और स्वामी जी महाराज जी भी वही थे और मौजूदा सरकार भी वही हैं और आने वाले हजूर भी वही है। तो सत्संग जी, हमें हुजूर महाराज जी से भी उतना ही प्रेम करना है जितना कि हमने बाबा जी महाराज जी से किया है। हमारे बाबा जी महाराज जी ने हमें बार बार समझाया है कि जितना सहयोग और जितना प्रेम अभी मौजूदा सरकार को आप जी ने किया है, उतना ही आने वाली सरकार यानी कि हुजूर महाराज जी को भी करना है। तो सत्संग जी, जिन्होंने अपने अंतर्मन की आंखों से हुजूर को देखा है, वह सभी जानते हैं कि वह बाबा जी महाराज जी का ही स्वरूप है, उनमें उतनी दिव्यता उतनी चमक आ चुकी है जी। तो सत्संग जी, आप सभी को प्रेम से अंत में राधा स्वामी जी। अगर साखी पसंद आई हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखियाँ मिलती रहे जी। सत्संग जी, आप वीडियो को थोड़ा बहुत सुनकर स्किप कर देते हैं, कोशिश करें कि रूहानी साखियाँ पूरी सुने और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।